चलिए तो आज अपना टारगेट थ्री फेज इंडक्शन मोटर, आज अपना टारगेट है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी जो अपना मेन टारगेट आज का है वो है स्लिप। वो अपना टारगेट क्या है? स्लिप, यानी अपन जो अपना टाइम खर्च करेंगे वो आज स्लिप पे खर्च करेंगे। और हम ये देखेंगे भाई स्लिप क्या है और स्लिप हम क्यों पढ़े, मतलब वाकई में हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टारगेट क्या है, स्लिप। तो चलिए यहां तीन वर्ड लिखे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये वर्ड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे वर्ड मोटर पर। तो दुनिया की कोई भी मोटर हो उस मोटर को हम किससे कनेक्ट करेंगे? सप्लाई से। दुनिया की कोई भी मोटर हो उस मोटर को हम किससे कनेक्ट करेंगे? सप्लाई से। तो भाई ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसको भी किससे कनेक्ट करना है? सप्लाई से। अब मोटर में सप्लाई से किसको कनेक्ट करेंगे? तो वाइंडिंग को। किसको कनेक्ट करेंगे? वाइंडिंग को। तो ये हमारी वाइंडिंग हो गई, ये हमारी वाइंडिंग है और इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और इस प्राइमरी वाइंडिंग को हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी सप्लाई है, ये हमारी क्या हो गई? सप्लाई। तो क्या समझ में आया? सप्लाई, और सप्लाई में भी क्या हो गया? वोल्टेज। सप्लाई में भी वोल्टेज हो गया। अब हम कहना क्या चाहते हैं भाई? मोटर है, छाछ की मोटर, पानी की मोटर, कूलर की मोटर, फ्रिज की मोटर, जितनी भी दुनिया की मोटर है उन मोटर को किससे कनेक्ट करेंगे? सप्लाई से। तो थ्री फेज की मोटर है इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब मोटर में भी सप्लाई से किसको कनेक्ट करेंगे? वाइंडिंग को। तो ये हमारी कौन सी वाइंडिंग हो गई? प्राइमरी वाइंडिंग। इस प्राइमरी वाइंडिंग को हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट किससे किया है? वोल्टेज। अब और कनेक्ट किसको किया है? प्राइमरी वाइंडिंग को। तो वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे ना, तो इस वाइंडिंग में क्या फिल होगी? करंट। यानी कि ये जो कॉपर की वाइंडिंग है इसमें एकदम बढ़िया क्या फिल हो रही है? करंट। अब करंट के कारण क्या होता है? जैसे ही वाइंडिंग में करंट फिल होगी तो करंट के कारण आएगा एम्पियर टर्न, और एम्पियर टर्न यूनिट होती है एमएमएफ की, और उसके कारण आएगा फ्लक्स, उसके कारण फ्लक्स आएगा। और ये कौन सा फ्लक्स है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब ये क्या नाटक है? देसी बात है, जैसे ही मोटर को हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज, उसके कारण करंट, ये करंट इस वाइंडिंग में फिल होगी। और जब किसी वाइंडिंग में करंट फिल होती है तो करंट के कारण एम्पियर टर्न, एमएमएफ, और क्या आता है? फ्लक्स। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये जो फ्लक्स है ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। ये कौन सी स्पीड से घूमता है? सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। यानी कि ये जो मैग्नेट बनाया है इस वाइंडिंग ने वो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। तो ये तो हुआ हमारी प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि स्टेटर। अब ये तो पक्की बात है कि मोटर जो है, और मोटर का जो भाग घूमता है उस घूमने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? रोटर। तो रोटर पर भी क्या होती है? वाइंडिंग। तो रोटर पर हमने वाइंडिंग मान ली और ये हमारी रोटर पर वाइंडिंग है, ये रोटर पर वाइंडिंग हो गई। तो ये जो रोटर पर वाइंडिंग है इसको हम कौन सी वाइंडिंग कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमने सेकेंडरी वाइंडिंग मान ली। अभी हम समझने के हिसाब से, अपनी मतलब इस टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट बनाने के हिसाब से ये मान रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये स्क्वायरल केज टाइप है। ये कौन सी है? स्क्वायरल केज टाइप रोटर है। तो आपको पता है स्क्वायरल केज में क्या होती है? छड़ होती है, रोड होती है, जिनके दोनों सिरे हम क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो क्या होता है जब ये फ्लक्स घूमेगा तो इस फ्लक्स का संपर्क इन रोडों से भी होगा, यानी कि जो रोड है इन रोड में क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ, और ईएमएफ के कारण क्या फील होगी? करंट। तो ये जो आपकी करंट है, रोटर की करंट और स्टेटर का फ्लक्स, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के कारण क्या उत्पन्न होगा? टॉर्क। और ये जो टॉर्क है, टॉर्क का मतलब कोई गोल वस्तु है इसको घुमाने के लिए जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। और इस टॉर्क के कारण ये रोटर क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। तो रोटर की स्पीड हमने क्या मान ली? एल। रोटर की स्पीड हमने मान ली एल। तो ये जो फ्लक्स की सिंक्रोनस स्पीड है और ये जो रोटर की स्पीड है, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? स्लिप। इनका अंतर ही स्लिप कहलाता है। तो स्लिप वास्तव में क्या होता है? एन एस माइनस एस, और इसका फॉर्मूला है एन एस माइनस एन अपॉन क्या है? एल एस। तो एकदम शॉर्ट में देखते हैं हुआ क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई मोटर है, भाई कोई सी मोटर, पानी की, कूलर की, फ्रिज की, उसको सप्लाई से कनेक्ट किया। अब मोटर में सप्लाई से किसको कनेक्ट किया? वाइंडिंग को। और जिस वाइंडिंग को किया इंडक्शन मोटर में उसका नाम प्राइमरी वाइंडिंग है।
वोल्टेज के कारण करंट आया, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो हुई, उसके कारण एम्पियर टर्न एमएमएफ और फ्लक्स आया। सबसे खास बात है कि ये फ्लक्स क्या कर रहा है, घूम रहा है, और कौन सी स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फ्लक्स यानी कि मैग्नेट सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। और देखो ये अपने लिए काफी चमत्कार की बात है कि बिजली से मैग्नेट बन रहा है और प्लस में वो क्या कर रहा है, घूम भी रहा है। अब हम बात कर रहे हैं रोटर की, तो रोटर पर वाइंडिंग है। अब रोटर की जो वाइंडिंग उसको सप्लाई से करंट करते नहीं है, जब इस वाइंडिंग के आसपास फ्लक्स घूमेगा तो इस वाइंडिंग में ईएमएफ आएगा, उसके कारण करंट आएगी। तो रोटर की करंट और स्टेटर का फ्लक्स, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, इसके कारण क्या आता है, टॉर्क। इस टॉर्क के कारण ये रोटर क्या करता है, घूमता है। तो ये रोटर की जो स्पीड है और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो सिंक्रोनस स्पीड है, इसके बीच का अंतर क्या कहलाता है, स्लिप। अब आज का हमारा टारगेट क्या है, स्लिप। अब हम डिस्कस और चर्चा करेंगे किसकी, स्लिप की। तो देखो ये जो स्लिप है वो वास्तव में स्पीड का अंतर है भाई। अगर हम स्लिप की बात करें तो क्या है, स्पीड का अंतर है, और अंतर तो मतलब दो स्पीडों में होता है। तो दो स्पीड में एक स्पीड तो किसकी है, फ्लक्स की, और एक स्पीड किसकी है, रोटर की, इनका अंतर ही स्लिप है। चलिए अब केस नंबर वन, सबसे पहला केस, सबसे फर्स्ट केस हम मान रहे हैं, अगर एग्जाम में आ जाए बिल्कुल स्टार्टिंग, क्या आ जाए केस, क्या आ जाए, बिल्कुल स्टार्टिंग। तो तुम्हें पता है बिल्कुल स्टार्टिंग में स्पीड का मान क्या होता है, जीरो। अच्छा, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्पीड का मान जीरो क्यों होता है भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग मान लो रात को 12 बजे हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, तो सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, फिर करंट आएगा, फिर एम्पियर टर्न, फिर एमएमएफ, फिर फ्लक्स, फिर वो फ्लक्स घूमेगा, फिर रोटर में ईएमएफ आएगा, फिर करंट, फिर टॉर्क उत्पन्न होगा जब ये घूमेगा रोटर। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में रोटर की स्पीड क्या होती है, जीरो। अगर रोटर की स्पीड जीरो है तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, स्लिप बराबर एनएस माइनस रोटर की स्पीड क्या है, जीरो, अपॉन क्या है, एनएस। तो हमारा स्लिप बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। एनएस भाई एनएस में से जीरो जाएगा तो एनएस, और एनएस अपॉन एनएस तो बराबर क्या हो गया, वन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर रोटर नहीं घूम रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो स्लिप का मान क्या होगा, एक। अब अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि रोटर जो है ना वो आपका ब्लॉक है, रोटर आपका क्या है, ब्लॉक है। जैसे हम व्हाट्सएप फेसबुक पर क्या कर देते हैं, ब्लॉक। तो रोटर ब्लॉक का मतलब है रोटर घूम ही नहीं रहा, और अगर रोटर नहीं घूम रहा तो रोटर की स्पीड जीरो, एनएस अपॉन एनएस, तो स्लिप का मान क्या हो गया, एक। तो अगर आपका रोटर ब्लॉक है तो स्लिप का मान आपका क्या होगा, वन होगा। स्लिप का मान क्या होगा, वन। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्लिप का मान क्या होता है, वन होता है। चलिए तो ये तो स्टार्टिंग का केस हो गया, अब दूसरा केस पे हम चलते हैं, केस नंबर सेकंड। ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी हम बात तो करेंगे, ऐसा होता नहीं, क्या नहीं होता, इंडक्शन मोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, हमेशा होती है। लेकिन यदि ये सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो तो आपका स्लिप क्या हो जाएगा, आपका स्लिप बराबर हो जाएगा एनएस माइनस क्या हो जाएगा, एनएस। तो एनएस में से एनएस गया तो क्या हो गया, जीरो। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं हो सकती। ये कौन सा केस है, दूसरा। अब हम आते हैं तीसरे केस पर, और हम एक केस मानते हैं। देखो अभी एक, ये तो हमने दो केस मान लिए, अब हम बात करते हैं केस नंबर थ्री। मान लेते हैं कि हमारी एक ट्रेन है, और ट्रेन है ना वो क्या कर रही है, मोटर को, मतलब ट्रेन है, ट्रेन में मोटर है और मोटर ट्रेन को चला रही है। तो मोटर है ना पहाड़ से, मतलब जो सॉरी ट्रेन है वो हमारी पहाड़ से उतर रही है। तो जब हमारी ट्रेन पहाड़ से उतरेगी तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा, तो मोटर की स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा। तो मान लेते हैं हमारी जो मोटर है उसकी स्पीड है वो ज्यादा हो गई, किससे, सिंक्रोनस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो गई। तो हमारी जो मोटर है वो क्या बन जाएगी, जनरेटर। हमारी मोटर है वो क्या बन जाएगी, जनरेटर बन जाएगी, अगर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या है, ज्यादा। और ये राजस्थान पीएचडी में क्वेश्चन आया था, स्लिप बराबर एनएस हमने मान लिया 1500 माइनस, हम कह रहे हैं रोटर की स्पीड 1500 से भी क्या हो गई, ज्यादा, मान लो कितनी हो गई, 1800। तो स्लिप बराबर कितना हो गया, माइनस 300, और अपन अभी 1500 को भाग और देंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्लिप का मान क्या हो गया, नेगेटिव।
स्लिप का मान क्या हो गया नेगेटिव। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर इंडक्शन मोटर जनरेटर बन जाए तो स्लिप का मान क्या होता है वन, स्लिप का मान क्या होता है वन, सॉरी इंडक्शन मोटर अगर जनरेटर बन जाए तो स्लिप क्या होती है नेगेटिव, स्लिप आपकी बाय डिफॉल्ट गलत बोल गया, स्लिप का मान क्या होगा नेगेटिव। क्या क्या रहे हम कह रहे थे भाई हमारी जो ट्रेन है उसको चला कौन रही थी मोटर, लेकिन वो लोड का जो नेचर है जैसे ओवरहोलिंग लोड है तो वो आपकी ट्रेन नीचे आ रही है तो मोटर की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो मोटर की स्पीड अगर सिंक्रोनस से ज्यादा होगी तो मोटर क्या बन जाएगी जनरेटर, कौन सा इंडक्शन जनरेटर। और जैसे ही जैसे हमने मान लिया सिंक्रोनस स्पीड 1500 लेकिन रोटर की स्पीड कितनी होगी 1800 तो ये हो गया माइनस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जब इंडक्शन मोटर जनरेटर बनती है तो उसकी स्लिप क्या होती है नेगेटिव, स्लिप होती है आपकी नेगेटिव। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक तो नेगेटिव कि भाई इंडक्शन जनरेटर में स्लिप नेगेटिव होती है, आपको पता है नेगेटिव मान लो माइनस वन है तो ये जीरो से क्या होता है कम, जीरो से क्या होता है कम। तो इंडक्शन जनरेटर के केस में आपकी जो स्लिप है वो जीरो से भी क्या होती है कम होती है, जीरो से भी क्या होती है भाई नेगेटिव, जैसे माइनस वन मान लिया हमने तो माइनस वन जीरो से कम है, भाई माइनस वन जीरो से कम ही है तो इंडक्शन जनरेटर की स्लिप है वो जीरो से क्या होती है कम होती है, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं नेगेटिव, क्या क्या बोल सकते हैं उसे नेगेटिव। तो ये हमारा तीसरा केस है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कौन से केस की, फोर्थ केस, ये हमने मान लिया हमारा फोर्थ केस है। अब फोर्थ केस क्या है, मान लो हमारी इंडक्शन मोटर एकदम बढ़िया चल रही है, इंडक्शन मोटर है वो एकदम बढ़िया क्या कर रही है चल रही है, एकदम बढ़िया रनिंग कंडीशन में, हम क्या करते हैं उस मोटर पर ब्रेक लगाना चाहते हैं, उस मोटर पर क्या लगाना चाहते हैं ब्रेक, तो हम क्या करेंगे एक ब्रेकिंग होती है जिसका नाम प्लगिंग है, जिसका नाम क्या है प्लगिंग, जिसका नाम प्लगिंग है। तो प्लगिंग ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं मोटर के दो टर्मिनल चेंज कर देते हैं, और जैसे ही मोटर के दो टर्मिनल चेंज करते हैं तो हमारी जो मोटर है उसका जो रोटर है वो पहले से विपरीत दिशा में घूमने का क्या करता है प्रयास, तो ये हमारे रोटर की स्पीड क्या हो जाती है माइनस, रोटर की स्पीड यहां पर माइनस और ये क्या हो गई माइनस, तो ये एन एस प्लस एन अपॉन में क्या होता है एन एस, तो ये जो है ये बराबर होता है टू माइनस एस के, ये किसके बराबर होता है टू माइनस एस के। तो पिलगिंग ब्रेकिंग के दौरान, किसके दौरान पिलगिंग ब्रेकिंग के दौरान स्लिप का मान क्या होता है टू माइनस एस, क्या होता है टू माइनस एस, अगर मान लो एस का मान हमने 0.04 मान लिया तो ये 1.96 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1.96। तो पिलगिंग ब्रेकिंग के दौरान स्लिप का मान एक से क्या होता है ज्यादा, एक से क्या होता है ज्यादा, तो हमारा टारगेट केवल स्लिप है, हमारा टारगेट केवल क्या है स्लिप, तो हमारा टारगेट केवल क्या है स्लिप, तो ब्रेकिंग के दौरान स्लिप का मान एक से क्या है ज्यादा, और कौन सी ब्रेकिंग पिलगिंग ब्रेकिंग, कौन सी है पिलगिंग। अब हम इस दुनिया में वापस लौटते हैं, हमारा टारगेट वास्तव में स्लिप है, तो ये स्लिप अरे भाई ये जो मतलब स्टेटर का जो फलक से इसकी जो स्पीड है रोटर की स्पीड का अंतर स्लिप है, हमने कहा स्टार्टिंग में स्लिप का मान एक, स्पीड सिंक्रोनस जाए तो स्लिप का मान जीरो, जनरेटर बन जाए तो स्लिप का मान नेगेटिव, और ब्रेकिंग के दौरान टू माइनस क्या होता है एस। अब हम इस दुनिया में चल रहे हैं आगे, अब एकदम जर्नल समझना है, एकदम कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं है, हम ये मान रहे हैं कि जैसे मान लो अब हम मोटर का केस देख रहे हैं, कौन सा केस देख रहे हैं मोटर का केस हम देख रहे हैं, हमने ये मान लिया कि ये जो सिंक्रोनस स्पीड है हम स्लिप ही हमारा टारगेट है, ये जो सिंक्रोनस स्पीड है मान लो कितनी है 1500, ये हमने कितनी मान ली 1500, और रोटर की जो स्पीड है वो हमने कितनी मान ली 1440, कितनी मान ली अपॉन 1500, तो इसका मतलब यहां पर हमारी स्लिप का मान कितना हो गया 0.04, यहां पर हमारी स्लिप का मान कितना हो गया 0.04, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.04। अब ये क्या नाटक है, ये जो मतलब इंडक्शन मोटर है इसका रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, सिंक्रोनस स्पीड से क्या होती है लेकिन उसके पास में भी होती है, उसके क्या होती है पास में भी, तो इसलिए हमारी जो स्लिप है वो जीरो के पास होती है, स्लिप किसके पास होती है जीरो के पास होती है। तो मोटर के केस में स्लिप का मान, मोटर के केस में स्लिप का मान ज्यादा होता है, क्या होता है ज्यादा, किससे जीरो से, लेकिन कम होता है किससे वन से, वन से आपका क्या होगा कम होगा। अब अगला केस देखते हैं, देखो ऐसा तो मतलब समझनी तो पड़ेगी बातें, अब और हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस दुनिया में लेकर आते हैं लोड को, किसको लेकर आते हैं, अब हम इस दुनिया में लेकर आते हैं लोड को, मोटर पे तो लोड होता है, तो आपको पता है अगर लोड बढ़ेगा, हाँ क्या बढ़ेगा लोड, भाई कोई भी अगर मोटर है उस पर आप क्या बढ़ा दो लोड, तो लोड बढ़ाने से उस मोटर की स्पीड क्या होगी, लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड तो कम ही होगी, स्पीड तो क्या होगी कम, तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, स्पीड उसकी क्या हो जाएगी कम। तो हम समझने के लिए क्या इस 1500 को हटा देते हैं,
तो 1560 में से 14 ये कितना आएगा 60, तो सीडी बराबर कितना आ गया 60, और 1500 को डिवाइड कर देंगे। अब एस बराबर 1500, एस बराबर क्या है 1500 माइनस। अब लोड बढ़ाने पर स्पीड क्या हो गई कम, तो स्पीड मान लो कम होकर कितनी हो गई 1400, कितनी हो गई, तो स्लिप का मान कितना हो गया 100, कितना हो गया 100 बटे 1500। तो लोड बढ़ाने पर, लोड क्या करने पर बढ़ाने पर स्पीड कम हुई है, स्पीड क्या हुई है कम, और स्लिप का मान बढ़ गया, स्लिप का मान क्या हो गया बढ़ गया, तो लोड बढ़ाने पर स्लिप का मान भी क्या होता है बढ़ता है, लोड बढ़ाने पर स्लिप का मान क्या होता है बढ़ता है। समझ में नहीं आया, अरे भाई स्लिप क्या होता है एनएस माइनस है, अपॉन एनएस तो डिवाइड कर ही देंगे, तो स्पीड 1440 है, अब आप लोड बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, भाई 1440 से स्पीड कितनी होगी 1400, स्पीड कम हो गई, तो देखो यहाँ कितना आ रहा है अंतर 60 और यहाँ कितना आ रहा है 100, तो स्पीड लोड बढ़ने पर स्पीड कम होगी, स्लिप का मान क्या होगा बढ़ेगा, स्पीड तो कम होगी स्लिप का मान बढ़ेगा, तो लोड बढ़ाने पर स्लिप का मान बढ़ता है, तो स्लिप है वो किससे चेंज होती है लोड से, तो स्लिप किस पर डिपेंड करती है लोड पर, किस पर लोड पर, डन और नॉट डन। तो ये हमारी बात हो गई किसकी लोड की, अब हम इस दुनिया में कहां चल रहे हैं आगे चलिए। अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करें रोटर, किसकी बात करें रोटर, तो अभी हमने बताया कि आप ऐसे करें रोटर है वो मान लो स्क्वायर केज टाइप, कौन सा मान लो, ये हमने स्क्वायर केज टाइप रोटर मान लिया जिसकी छड़ों को हमने डायरेक्ट क्या कर रखा है शॉर्ट सर्किट। अब ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, तो यहां पर वोल्टेज है वो फिर करंट है, फिर ये फलक सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, तो ये जो रोटर की वाइंडिंग है इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ और ईएमएफ के कारण क्या आई करंट, ईएमएफ कारण क्या रही है करंट। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना ये सप्लाई से कनेक्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, क्या होती है मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम फ्रीक्वेंसी के बराबर है प्राइमरी में, लेकिन जो रोटर की फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी है रोटर, वो होती है एस और एफ, वो क्या होती है एस और एफ, इसका मतलब रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है, रोटर की क्या है फ्रीक्वेंसी, मतलब रोटर में जो वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी है वो भी किस पर डिपेंड करती है स्लिप पर। ये क्वेश्चन जेवी नल में आया है, तो किस पर डिपेंड करती है स्लिप पर, भाई स्लिप और ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है या प्राइमरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी है, ये स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है। जैसे अब हमने मान लिया स्लिप की वैल्यू 0.04 है और ये फ्रीक्वेंसी मान ली 50 हर्ट्ज, तो कितना हो गया ये 2 हर्ट्ज, कितना हो गया 2, इसका मतलब जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है ना ये मतलब कम होती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कम, और रोटर की फ्रीक्वेंसी कम क्यों होती है स्लिप के कारण, इस कारण तो इंडक्शन मोटर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कौन स्लिप, स्लिप के कारण आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या है कम है। और देखो अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं, आपको पता है एडी करंट लॉस है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है एफ स्क्वायर, और आपको पता है हिस्टेरेसिस लॉस है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है मतलब प्रोपोर्शनल एफ होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है एफ बाय बी मैक्सिमम स्क्वायर और एफ, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी तो कम ही है भाई, रोटर की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज ही है, तो एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस होगा ना जो रोटर की कोर में वो कम होगा, वो क्या होगा कम, तो ध्यान रखना रोटर की कोर है उसमें होने वाले आयरन लॉस को नेगलेक्ट कर देते हैं, आयरन लॉस क्या कर देते हैं नेगलेक्ट, क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एडी करंट और हिस्टेरेसिस भी कम है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस भी क्या है कम, इसलिए आयरन लॉस भी क्या है कम। लेकिन हम लगे आपको एक बात बता देते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में किसमें, बिल्कुल स्टार्टिंग में किसमें, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्लिप का मान क्या होता है 1, स्लिप का मान क्या होता है 1, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, और बराबर क्या होती है मतलब स्टेटर प्राइमरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी, प्राइमरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी, यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी बराबर स्टेटर की फ्रीक्वेंसी या सिस्टम फ्रीक्वेंसी, आप इसको 50 हर्ट्ज कह सकते हो, कब है स्टार्टिंग में, कब कह सकते हो स्टार्टिंग, डन और नॉट डन। तो चलिए एक वर्ड में हम चलते हैं, तो हम कहना क्या चाह रहे थे, हमने ये आपसे कहा, अब इसको नट सेल में एकदम हल्के से वर्ड कह रहे थे कि भाई मोटर है तो मोटर को किससे कनेक्ट करेंगे सप्लाई से, तो किसको कनेक्ट किया हमने सप्लाई से वाइंडिंग को, और कौन सी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, उस वाइंडिंग में करंट फ्लो हुई और उस करंट के कारण मैग्नेट बना, वो मैग्नेट क्या कर रहा है घूम रहा है कौन सी स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड से, और उस सिंक्रोनस स्पीड से जो आपका फ्लक्स घूम रहा है उसके कारण रोटर घूमेगा लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी कम, तो स्लिप, स्लिप बराबर क्या है एन एस माइनस एन अपॉन क्या है एन एस, एकदम डन, डन और नॉट डन। एक वर्ड में स्टार्टिंग में किसमें, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में स्पीड 0 तो स्लिप का मान 1, स्लिप का मान 1, रोटर बिलो, रोटर क्या है हाँ रोटर क्या है बिलो, रोटर घूम ही नहीं रहा, अगर रोटर ब्लॉक है तो भी स्पीड का मान
जीरो, स्लिप का मान वन, स्लिप का मान वन। अच्छा अगर स्पीड किसके बराबर है, सिंक्रोनस स्पीड, किसके बराबर है, सिंक्रोनस स्पीड, ये पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लो बराबर है तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, स्लिप का मान जीरो, स्लिप का मान क्या हो जाएगा जीरो, ये केस हो गया। उसके बाद में अगर मान लो जनरेटर बन जाए, क्या बन जाए, इंडक्शन मोटर, क्या बन जाए जनरेटर, स्पीड का मान क्या होगा ज्यादा, किससे, सिंक्रोनस स्पीड से, किससे ज्यादा होगा सिंक्रोनस स्पीड से, और सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होगा तो स्लिप का मान क्या होगा नेगेटिव, स्लिप का मान क्या होगा नेगेटिव, या फिर क्या होगा लेस देन जीरो, या फिर क्या होगा लेस देन क्या होगा जीरो, लेस देन जीरो, डन और नॉट डन। उसके बाद बात करते हैं किसकी, ब्रेकिंग की, किसकी बात करते हैं ब्रेकिंग में, ब्रेकिंग और ब्रेकिंग में कौन सी ब्रेकिंग, प्लगिंग, कौन सी ब्रेकिंग, प्लगिंग ब्रेकिंग, इसमें हम मोटर के क्या बदल देते हैं टर्मिनल, तो इस ब्रेकिंग के दौरान आपका क्या होता है एनएस और माइनस रोटर के दूसरी डायरेक्शन में घूम लग जाता है अपॉन एनएस, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बराबर आता है टू माइनस एस के, किसके बराबर आता है टू माइनस एस के। तो प्लगिंग ब्रेकिंग के दौरान आपकी जो स्लिप है उसका मान क्या होता है ज्यादा, किससे, एक से, किससे होता है एक से। अब उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद हमारा केस है लोड, कौन सा केस है लोड, अगर हम लोड को बढ़ाएंगे, लोड को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, स्पीड का मान क्या होगा कम और स्लिप का मान क्या होगा बढ़ेगा, स्लिप का मान क्या होगा बढ़ेगा और इसके भी अपोजिट भी होगा। उसके बाद में हमने कौन सा देख, क्या देखा था रोटर, अगर हम बात करें रोटर तो रोटर में रोटर की फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है एस और एफ, डन और नॉट डन। आपको पता है रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कम, जैसे अभी टू आरटर आई थी, रोटर की फ्रीक्वेंसी कम है तो और उसका कारण कौन है स्लिप। थैंक यू, थैंक यू।